जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अच्छे दिन आने से पहले हमारे जीवन में हमें कौन कौन से संकेत मिलते हैं। हम बहुत दिनों से किसी विषय पर या किसी भी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारी लाइफ में निजी जीवन, हमारा सार्वजनिक जीवन, हमारा व्यापारी, हमारा नौकरी पैसा जीवन, कई बार बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पर हमें बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना वर्तमान में करना पड़ रहा है। तो कैसे पता करें कि हमारा जो आने वाला टाइम है, जो कुछ आने वाला, जो समय आने वाला, वो कैसे अच्छा हो जाए, कैसे बेहतर हो जाए, जिससे कि जितनी सारी परेशानियां हैं ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो इसी पूरे विषय पर हम आज इस वीडियो में बात करेंगे और बहुत ही ज़्यादा यूनिक टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए नई जानकारी देने वाला टॉपिक है। वीडियो को पूरा और अंत तक देखें। सबसे पहली बात शुरू करने से पहले कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े, ताकि आपको हमेशा सही और सकारात्मक जानकारी मिलती रहे। इसके साथ साथ यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़े, वहाँ से अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि जब भी जीवन में अच्छा वक्त आपको, आपका आने वाला है, तो वो लोग स्वतः ही आपको मिलना शुरू हो जाएंगे जो आपको व्यवस्थाएं और उस स्क्रिप्ट, उस पॉजिटिव स्क्रिप्ट में सहयोग देने वाले लोग आपको मिलते जाएंगे। जैसे कई बार होता है कि ये हम बात कह देते हैं कि आप हमें पहले क्यों नहीं मिले, या ये व्यक्ति हमें पहले क्यों नहीं मिला, तो वो सही समय का मतलब है कि आपको अच्छे लोग मिलना शुरू हो जाते हैं, जो आपको सही राय, सही गाइडेंस और आपको सही चीज़ आपके मुंह पर कहना शुरू कर देते हैं। मतलब जो सच है, आपको सच से रूबरू कराना शुरू कर देते हैं। आपकी कमियां, अच्छाइयां, जो भी है, उन्हें एनालिसिस करके और आपको सही राय देते हैं, या किसी भी विषय पर आपको सही चीज़ मिल जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। और दूसरी बात है कि जब भी अच्छे दिन आने का एक सिलसिला शुरू होता है, तो पॉजिटिविटी, एक शक्ति, एक सकारात्मक शक्ति हमारे इर्द गिर्द होती है, हमें महसूस होती है, वो फील होती है। हमारे काम जो है वो बहुत जल्द बनने लग जाते हैं, जिनके लिए हम बहुत प्रयत्न करते हैं लेकिन वो काम बनने लग जाते हैं। आर्थिक रूप से भी हम संपन्नता की ओर जाते हैं और अचानक ही हमारे बड़े बड़े काम सिद्ध होने लग जाते हैं या उनके रास्ते हमें मिलने लग जाते हैं। अब इसमें थोड़ी सी बात इस विषय को याद रखना है कि हमें इस पल का सदुपयोग करना है, न कि इसमें कोई गलती करना है। अपने दिमाग को बहुत शांत रखें और अपनी सकारात्मकता के साथ उस काम को पूरी ईमानदारी के साथ हमें करना है। हमें थोड़ी सी भी उसमें ढिलाई नहीं बरतना है, क्योंकि होता ये, हमें अवसर मिलते हैं, इसे अच्छे दिन आने से सीधा सा अर्थ होता है कि ईश्वर द्वारा हमें किसी सकारात्मक वेग का अवसर प्रदान करना, और वो अवसर आपको मिलता है और उस अवसर को हमें भुनाने की ज़रूरत है। तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। इसके अलावा जो अलग सी बात है कि आप अपने माइंड सेटअप को हमेशा पॉजिटिव, सकारात्मक तो रखना ही है, ईश्वर का जप जो आपको कंटिन्यू करना है, और एक हिम्मत, आपको खुद पर यकीन, आपको हिम्मत, और चाहे कैसे भी हालातों, उन हालातों से बाहर आने की दृढ़ इच्छा शक्ति कि हाँ मैं बाहर आऊँगी। चाहे आपका हेल्थ इशू हो, चाहे आपका आर्थिक क्राइसिस हो, कर्ज हो, या लाइफ में प्यार, या किसी भी विषय पर आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति, आपका विल पावर ही आपको बहुत जल्द, बहुत सकारात्मकता के साथ इन सभी परेशानियों से बाहर निकाल सकता है। तो यही संकेत है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ओम नमः शिवाय।